जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आमिर। और आज हम बात करेंगे कि हम वॉलमार्ट का यूपीसी कोड जो है वो प्रोडक्ट का यूपीसी कोड जो होता है यूनिक कोड जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूपीसी कोड और यूअर आईडी के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि हम अमेजोन पे जाके अपना यूपीसी एसएन निकालते होते थे, 12 डिजिट्स का, 20 से स्टार्ट होता था, 11 डिजिट्स का, तो हम वहां से कॉपी करके अपने सारी यूनिट डालते थे। इसी तरह यूपीसी आपको टूल्स अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको यूपीसी कोड की जरूरत होती है या वॉलमार्ट आईडी की जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना यूपीसी कोड फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट करते हैं कि हमने हमारी जो प्रोडक्ट है किचन टॉवल है, ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट मैंने ओपन की है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का हमें चाहिए यूपीसी कोड। या तो वो यूपीसी कोड यहाँ आ रहा होता है अगर आपने एक्सटेंशन की होती है डाटा स्पार्क और जो डाटा स्पार्क की, और या तो एंड पे शो हो रहा होता है। अगर आपको यूपीसी कोड जो है वो यहाँ मौजूद ना हो, आपको नजर ना आ रहा हो, तो आप दो तरीके से अपना जो है वो कोड फाइंड आउट कर सकते हैं यूपीसी कोड। एक तो यह है कि आप यहाँ से यूआरएल आईडी पे क्लिक करेंगे और एंड पे जो चीज ये चीज आती है ये यूआरएल आईडी है। ठीक है, तो इसके जरिए भी आप अपनी प्रोडक्ट का जो सर्च वॉल्यूम है या उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी ये है कि अगर यूपीसी कोड फाइंड करना है तो यूपीसी कोड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, ये वाली प्रोडक्ट आपने निकाली है, इस प्रोडक्ट को लिस्टिंग ओपन करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने या तो आप कंट्रोल यू कर सकते हैं, या तो आप क्या करो कि सेकंड लास्ट पे व्यू पेज सोर्स आ रहा है, आपने व्यू पेज सोर्स आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही वो ओपन होगा आपने क्या करना है, यहाँ आप इतनी चीजें आ गई हैं तो आप क्या करोगे कि यहाँ से आपको यूपीसी कोड फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप कंट्रोल एफ करो। कंट्रोल एफ करने के बाद आप यूपीसी चाहिए आपको तो आप यूपीसी लिख दो। तो यूपीसी कोड जैसे ही आपने लिखा है तो आपके पास ये यूपीसी कोड आ चुका है। आपने क्या करना है, ये वाला यूपीसी कोड है तो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने डेटा स्पार्क जो है वो एक्सटेंशन जो है उसको आपने ओपन करना है। एक्सटेंशन ओपन करने के बाद एक्सटेंशन कर लें या वैसे आप कर लें, इधर टाइप करेंगे डेटा स्पार्क डॉट को या जिधर आपने सेरिब्रो करना है सेरिब्रो में जाके आप ये वाला जो कोड होगा यहाँ आप लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट जनरल सी बता रहा हूँ। तो डेटा स्पार्क में आपने जाके अपना यूपीसी जो कोड है वो डाल देना है और उसके बाद आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद वही जो कोड होगा, वही जो प्रोडक्ट जिस यूपीसी कोड के अगेंस्ट जो रैंक हो रही होगी वो प्रोडक्ट जो होगी वो सामने आ जाएगी। आप खुद ही देख लें, ये वाली प्रोडक्ट थी ये वाली, ठीक है, और यहाँ हमने जो यूपीसी उसका डाला है तो वो ये वाली प्रोडक्ट सेम टू सेम है। ठीक है, इस पे जाके आप इधर अपनी प्राइसेस जो है, सेलर जो है, जितने सेल रैंक हिसाब अपने लिहाज से चेंज, मैं ये मैनुअल होती है। ठीक है, ये मैनुअल होती है जितने भी आपने करना है। उसके बाद आप स्कैन प्रोडक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगी या आपके आगे वो कंप्यूटर का सील रैंक आ जाएगा सारा का सारा। इसके बाद आप व्यू डिटेल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज की जो वीडियो थी वो यूपीसी कोड कैसे फाइंड करना है, तो मैंने आपको बता दिया है कि यूपीसी कोड फाइंड करने के दो तरीके हैं। या तो आप ये वाली एक्सटेंशन कर लें और एक्सटेंशन करने के बाद आपका अगर तो वो पेड है तो आपके पास इधर करके एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यूपीसी कोड और वॉलमार्ट आईडी इस तरह का, और ये वाली जो आईडी होती है ये यूआरएल आईडी होती है, ये एंड पे होती है, जैसे हम एसएन निकालते हैं इसी तरह ये यूआरएल आईडी होती है। ठीक है, तो आई होप सो के आपको समझ लगी होनी है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।